गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं एक बहुत अच्छा व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मेरी मासी की शादी है अजमेर। मतलब बहुत सारे व्लॉग्स डाले हैं मैंने अजमेर के, पूरी सीरीज है नहीं देखी है, तो मैं इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जाके सर्च कर लेना। अजमेर के सारे व्लॉग्स बना दिए, सारी लोकेशंस मैंने कर दिए, एक दो लोकेशंस अभी बची हैं वो भी मैं जाके अजमेर करूँगा। सो हम लोग अब सीधे जाएंगे कानपुर सेंट्रल, नहीं हम लोग ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल से हमारा रिजर्वेशन है, बट हम लोग कानपुर अनवरगंज से ट्रेन पकड़ेंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम गोरखपुर टू अहमदाबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस, नॉट दिस टाइम शायद अजमेर का व्लॉग आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देखो, 10,000 व्यूज़ है उस पर होने वाले हैं, 9.8K हैं, जाके देख लो वो व्लॉग भी। और ऐसे ही मेरी और ट्रेन जर्नीज देखने के लिए भी सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाता हूँ। तो गाइस सीधे चलते हैं अनवरगंज, इट्स ऑलमोस्ट 11 इन द मॉर्निंग और हम लोग बस, मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, आई विल गो, हमारी 12:20 की ट्रेन है अनवरगंज से, एंड लेट्स गो। थर्ड एसी में हम लोग जाएंगे क्योंकि सेकेंड एसी में कोई टिकट नहीं मिला हमको, थर्ड एसी का भी बहुत मुश्किल से कन्फर्म हुआ है, बट हाँ वी विल गो फ्रॉम थर्ड एसी दिस टाइम। और मैं आपको मिलता हूँ सीधे स्टेशन पर, और लाइक कर दो इस वीडियो को, नहीं करा है तो। ये जर्नी बहुत अमेजिंग होने वाली, 14.5 आवर्स जर्नी है, 14.5 घंटे की जर्नी है, और बहुत मज़ा आएगा आपको, मैं पूरी जर्नी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, हम सीधे मिलते हैं स्टेशन पे। हम फाइनली स्टेशन पर आ चुके हैं, और यहाँ कानपुर अनवरगंज से हम लोगों ने ट्रेन भी ले ली। फालतू सेंट्रल जाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अनवरगंज हमारे घर से भी थोड़ा पास है, सेंट्रल ज़्यादा दूर पड़ता और सेंट्रल भी इतना रश होता, सब कुछ होता, यहाँ पे बिल्कुल रश वगैरह भी नहीं, तो यहाँ से बहुत आसान है सब बोर्ड करना ट्रेन को। वाइस हमारी ट्रेन अभी हाफ एन आवर लेट है और 1 बजे तक हमारी ट्रेन आ जाए। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ट्रेन बुक कर ली और हम लोगों ने कानपुर अनवरगंज छोड़ दिया है। अभी कानपुर नहीं छोड़ा, अभी भी हम कानपुर में हैं, और ये ट्रेन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेट थी, मेरे को 1:05 पे ट्रेन मिली है। और गाइस स्टार्ट करते हैं एक और जर्नी, आप लोग मेरे से एक और जर्नी स्टार्ट करो, बहुत अमेजिंग जर्नी होगी, 14.5 आवर्स की जर्नी होगी, बहुत इन्जॉय करोगे। पूरा ब्लॉग देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं ट्रेन के बारे में बता दूँ, थोड़ी डिटेल्स दे दूँ आपको, तो मैं जा रहा हूँ गोरखपुर अहमदाबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस से वाया फरुखाबाद एंड कानपुर, ये अजमेर जाएगी। अजमेर हम लोग पहुँचेंगे रात में 3 बजे के आसपास, मैं आपको परफेक्ट टाइम एक बार तब भी बता दूँगा क्योंकि अब डिले भी हो रही है बहुत ही ट्रेन बीच बीच में, और कवर भी कर ले रही है। सो 3 बजे के आसपास इसका टाइम है, 14.5 आवर्स की जर्नी है पूरी, और पूरा हम लोग देखेंगे। और इसमें एक चीज़ और, शायद से पेंट्री कार नहीं है इस ट्रेन में, बट तब भी मैं आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं थर्ड एसी में, और ये जो ट्रेन है
1410 गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस। मैं आपको एक बात और बता दूं, मिरर भले ही गंदा है, इसको नोटिस मत करना, मुझे नोटिस करो। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन में सेकेंड एसी है, सेकेंड एसी के 2 कोचेस हैं और थर्ड एसी के 3 कोचेस है। देर इज़ नो फर्स्ट क्लास, स्लीपर है, 11 डब्बे स्लीपर के और बाकी नॉर्मल ट्रेन है। मैं आपको सारी इन्फो आगे देता रहूँगा, जस्ट इन्जॉय द ब्लॉग। ट्रेन अब कानपुर भगन से निकल गई है, अब सीधे इसका जो स्टॉप है वो है कन्नौज जंक्शन। तब तक कोई स्टॉप नहीं है, नॉन स्टॉप है, उस कन्नौज के बाद सीधा फर्रुखाबाद जाएगी। आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताता रहूँगा, पूरे ब्लॉग को देखना। और हम स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल सी ट्रेन जर्नी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं जुलाई में मैंने लास्ट जर्नी दी थी, उसके बाद अब ये है और फाइनली अब फाइनली हम लोगों ने कन्नौज अभी जस्ट छोड़ दिया है। वैसे हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है फर्रुखाबाद, उसके बाद आएगा कासगंज। हो सकता है मैं ये शायद एक दो स्टेशन छोड़ दूँ, मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ हूँ तो मैं थोड़ा सोने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं शायद ये मिस कर दूँ, बट जितना मुझसे हो सके तो मैं आपको सारे स्टेशन दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट स्टेशन पे, और वो जो अभी 2-2.5 घंटे बाद आएगा, एटलीस्ट ये समझ लीजिए अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे के आसपास, 3, 3:30, 4 बजे के आसपास आएगा अगर ज़्यादा लेट नहीं होती। और गाइस ये मैंने अभी जस्ट लंच करा हुआ है, घर से खाना लाया था, और बस ये हमारी पूरी जर्नी चल रही है। गाइस मैंने पूरा एक स्टेशन जो था वो मिस कर दिया था, फर्रुखाबाद। मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा सोने जा रहा हूँ, इसलिए वो मिस हो गया था। बाकी अभी ट्रेन जो खड़ी है कासगंज में, 5 बजे का टाइम था, 4:58 हुआ है, पे आ गई थी 2 मिनट बिफोर थी और अभी यहीं पे रुकी हुई है। तो 5:05 का टाइम है अभी निकलने का, लेकिन अभी तक तो खड़ी है यहाँ पर, इट्स ऑलरेडी 5:50। थोड़ा सा आई थिंक यहीं पर लेट हुई है और बाकी देखते रहो इस वॉक को आगे। अब जो नेक्स्ट स्टेशन है वो सारे मतलब छोटे छोटे स्टेशन है, उसके बाद मथुरा स्टेशन है, अब मैया है, मैं शायद आपको मथुरा को, उसके बाद सिकंदरा राव है और हाथरस सिटी है जो बहुत कम देर पे आ रहे हैं, तो मैं शायद आपको मथुरा जंक्शन पे मिलूंगा अब सीधे, क्योंकि अब ये छोटे स्टेशन से मैं सीधे अब आपको बड़े स्टेशन पर मिलूँगा, ये जल्दी जल्दी आ जाएंगे। तो अगर मेरे को हो सका तो मैं ज़रूर आपको ये दोनों स्टेशन दिखाऊँगा, बाकी पूरे ब्लॉग को देखता हूँ। हमारी ट्रेन जल्दी बहुत अच्छी चल रही है, चल 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 चल
गाइस इट्स 7:10 और अभी हम लोग मथुरा पहुंच चुके हैं। मैंने आपको सब कुछ दिखाया है मथुरा के बारे में, अभी जस्ट मैं बाहर गया था तो ये सारी क्लिप्स तो आप देख ही रहे हो। मैं अभी जस्ट मथुरा पहुंचे, राइट टाइम पहुंचे ट्रेन, तो आगे देखते हैं। इसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद 8 बजे के आसपास कुछ ले रहा है और उसके बाद भरतपुर दिल्ली एंटर टू राजस्थान। ठीक है, आप मेरे साथ रहो इस व्लॉग में, बहुत मज़ा आएगा। मैंने लिखा है सब लोग अचनेरा पहुँच चुके हैं, वो देखो बाहर पूरा अचनेरा पहुँच गए हैं। अब मैं अभी बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, मैं इस स्टेशन में यहीं से आपको दिखा रहा हूँ। आगे के स्टेशन में मैं ज़रूर बाहर जाने करूँगा जयपुर। आप पूरा इस वीडियो को देखते रहो, अभी बस 8:15 हुआ है और वो अचनेरा पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम लोग सीधे भरतपुर जाएंगे गाइस, वो भी 2 घंटे बाद आए। ठीक है गाइस, तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में भरतपुर। गाइस हमारी ट्रेन भरतपुर पहुंच चुकी है, हम लोग पूरा 25 मिनट लेट पहुंचे हैं। इट्स 9:23 और भरतपुर पहुंचने का टाइम था 8:55। पूरा हम लोग 25 से ऐसे 30 मिनट्स के आसपास लेट हो गए और अब हम सीधे जाके रुकेंगे दौसा। दौसा इसका नेक्स्ट स्टॉप है और वो 2 घंटे बाद आएगा। ट्रेन ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट लेट है और अब ये देखो ट्रेन चल चुकी है, मैं इसके वॉशरूम में हूँ। ये देखो आपको ट्रेन निकल रही है, भरतपुर जंक्शन जा रहा है और मैं आपको मिलता हूँ सीधे नेक्स्ट स्टेशन पे। ठीक है गाइस, तब तक मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डिनर वगैरह भी कर लूँ और मैं आपको सीधे नेक्स्ट स्टेशन पे मिलता हूँ गाइस। ओके, आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लग रहा हो, ये जर्नी अच्छी लग रही हो मेरे साथ, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। ऐसी बहुत सारी ट्रेन जर्नीज मैं बनाता हूँ और आप ज़रूर इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो। सो गाइस, इट्स दौसा आ गया, बांदी कोई क्रॉस हुआ था दौसा बांदी बीच पे, भरतपुर और दौसा के एक हॉट स्टेशन था बांदी कोई, जो मैंने गलती से नहीं वो मिस कर दिया था, गलती से मिस कर दिया था। आपको बताना कि हम भरतपुर के बाद हम, क्योंकि मैंने दौसा बोल दिया था। ऐसे आपको लाइट याद है, ये लाइट जो रीडिंग लाइट है, ये देखो ये जो रीडिंग लाइट आपको दिख रही होगी, ये जो रीडिंग लाइट है ना, ये बेसिकली सेकेंड एसी में होती थी बट अब ये न्यू एलएचपी कोचेस की वजह से थर्ड एसी में भी आ गई है। ये देखो यहाँ ये बटन है, इसी बटन से ये कंट्रोल होती है। 10:40 और दौसा आ चुका है, इसके बाद सीधे जयपुर आएगा, वो थोड़ा भी लेट आएगा। तो तब तक के लिए आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं आपको मिलता हूँ जयपुर में। इस रात के 1 बज रहे हैं और जयपुर का स्टॉप आ चुका है। मैं यहाँ पे IRCTC की कॉफ़ी का मज़ा ले रहा हूँ। जयपुर खड़ी गई, अब इसके बाद डायरेक्ट स्टॉपेज है अजमेर। इसके पहले गांधीनगर था जो मैंने आपको ट्रेन के अंदर से दिखा दिया था। ट्रेन का सिग्नल हो गया गाइस, चलते हैं। और ऐसी ठंड हो और आप ट्रेन का सफर करो साथ में तो फाइनली मैं अजमेर आ गया था। मैं रात में 3:20 के आसपास ट्रेन आई थी, मैं आपको ज़्यादा बाहर का दिखा नहीं पाया, वहाँ पे आपसे बात इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी बहुत सामान था मेरे पास और फिर वो सामान वगैरह लेके जाना, तो फिर रात में आके मैं बहुत थक गया था, सो गया मैं। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस जर्नी, मैं भी अपने घर के छत पर हूँ। पूरा व्लॉग देखना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अभी के अभी। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और एक इंटरेस्टिंग सी व्लॉग में, इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।
जो पहाड़ दिख रहा है और वो मैं और जूम करूँगा, वो पहाड़ में जो व्हाइट कलर का मंदिर दिख रहा है ना, मैं और जूम करूँगा। ये जो मंदिर है, इस मंदिर की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। इस मंदिर की वीडियो 2000 feet अबव द इन द माउंटेन्स माता का मंदिर, इसकी पूरी वीडियो बन चुकी है। पिछली बार आया था मैंने तब बनाई थी, नहीं देखी है जाके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग था। इतनी हाइट पे वो मंदिर है, यहाँ से देखो दूर से कितना दूर है वो देखो, वो वाला जो मंदिर वो दिख रहा है आपको वाइट वाला, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, इसके ऊपर ही मंदिर है। इसकी पूरी वीडियो बन चुकी है, जाके देख लो चैनल पे अभी के अभी।